तो इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एकदम नया चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। जी हाँ, ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। और ग्रेविटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि लास्ट लेक्चर में जितना भी हमने करा है, यानी कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उससे पूरा पूरा ये चैप्टर रिलेट करता है, ठीक है? क्योंकि ग्रेविटेशन इज ऑल्सो अ फोर्स। क्या बोला मैंने? ग्रेविटेशन इज ऑल्सो अ फोर्स। अब ये फोर्स क्या करती है? देखो, मैंने फोर्स चैप्टर के अंदर बताया हुआ है कि फोर्स कैसी होती है, या तो पुश हो सकती है या फिर पुल हो सकती है, होता है ना? इसके अंदर ग्रेविटेशन, भाई भाई ग्रेविटेशन के अंदर जो फोर्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होती है, रिपल्शन फोर्स नहीं होती। नहीं समझ आया? देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को सिर्फ अपनी तरफ खींचने का काम करती है ये, किसी भी चीज को अपने से दूर करने का काम नहीं करती। इज इट क्लियर? तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, ठीक है ना? तो ग्रेविटेशन, सबसे पहले मैं बता दूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कि दो फोर्सेस मैंने बताई है, एक होती है पुशिंग फोर्स, एक होती है पुलिंग फोर्स। पुशिंग फोर्स के अंदर क्या होता है? पुशिंग फोर्स के अंदर आप ऑब्जेक्ट को अपने से दूर करना चाहते हो बाय एक्सर्टिंग एन एफर्ट, है ना? किसी भी चीज के ऊपर एफर्ट लगा के अपने से दूर कर दोगे तो वो एक पुशिंग फोर्स हो जाती है। पुलिंग फोर्स क्या होती है? किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचना। सो ग्रेविटेशन एट सिमिलर टू पुलिंग फोर्स, इट इज ऑल्सो अ पुलिंग फोर्स विच पुल्स एनी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट, ठीक है? अब ग्रेविटेशन के कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्रेविटेशन होता कैसे है, कहां पर होता है, किन किन के बीच में ये होता है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो ये ग्रेविटेशन होता है, ये होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के अंदर, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, सपोज करो मेरा मार्कर है, मैं हूं आप हो, मैं हूं मेरा कैमरा है, कुछ भी, एनीथिंग, द ऑब्जेक्ट, वी हैव ओनली टू ऑब्जेक्ट्स इन विच द ग्रेविटेशन कैन अप्लाई, ठीक है? ना तो ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा और ना ही ये तीन ऑब्जेक्ट या तीन से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगेगा। ये लगेगा तो सिर्फ दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। सपोज करो तीन ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं बाई चांस, ए, बी और सी, तो ग्रेविटेशन जो होगा वो लगेगा दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, या तो इसके इसके बीच में लगे, या इसके इसके बीच में लगे, या फिर सी और बी के बीच में लग जाए। हो सकता है, पॉसिबल है ना? तो इतने सारे ग्रेविटेशन एक्ट कर सकते हैं यहां पर, इन इस केस के अंदर। तो यहां पर मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमारा ग्रेविटेशन जो है वो अप्लाई होता है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है? तो इस पॉइंट को लिख लो जरा, क्या है? ग्रेविटेशन एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भाई दो ऑब्जेक्ट तो ठीक है, दो ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, लाइट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, नहीं, डस्ट पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स आर ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, बट क्या ये सबके बीच में लगेगा? तो इस पॉइंट के अंदर ये बोलता है कि दो ऑब्जेक्ट जिनके पास क्या हो, मास हो। क्या बोला मैंने? ऐसे दो ऑब्जेक्ट, यानी कि टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास, यानी कि एक ऑब्जेक्ट के पास मास हो और जिसको वो अट्रैक्ट करे उसके पास भी मास हो,
है ना, और दूसरा ऑब्जेक्ट अगर इस वाले को अट्रैक्ट करेगा तो इसके पास भी मास होना जरूरी है, ठीक है। बिना मास के ग्रेविटेशन अप्लाई नहीं हो सकता, कैसे, बात करते हैं चलो, क्यों नहीं हो सकता बिना मास के ग्रेविटेशन। इस चीज को समझने के लिए हमें सेकेंड लॉ के अंदर जाना पड़ेगा। सेकेंड लॉ में क्या कहते हैं, एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास एक डस्ट पार्टिकल है ना, बहुत ही छोटा सा इतना सा डस्ट पार्टिकल है, और उसके सामने हमारा पूरा मून है, तो वो मून और उस डस्ट पार्टिकल के बीच में जो एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल है, डेट इज मासलेस, नेग्लिजिबल, है ना, नेग्लिजिबल मास का है वो ऑब्जेक्ट, जो पार्टिकल है वो नेग्लिजिबल मास का है इन कंपेयर टू मून, ऑब्वियस ही बात है। तो हम क्या करेंगे, तो उसका मास तो हमने जीरो मान लिया, जैसे ही हमने जीरो माना, अच्छा एक्सेलरेशन उस पार्टिकल के अंदर बहुत ज्यादा होता है, जितने जितने भी पार्टिकल हल्के होते चले जाते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन होने से मान लो उसके पास 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, मास कितना है उसका, मास तो उसका कितना हो गया, जीरो, तो 0 × 20, तो फोर्स कितना लगा भाई, जीरो फोर्स लगा। जीरो फोर्स का मतलब हो गया कि यहां पर कोई भी फोर्स नहीं लगा, कोई भी फोर्स नहीं लगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जनरेट होगा ही नहीं, जब फोर्स ही नहीं है तो अट्रैक्शन कैसे हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर मास का रोल ये बोलता है कि अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन चाहिए, सबसे पहले तो वो दोनों ऑब्जेक्ट मास वाले होने चाहिए, कुछ ना कुछ उनका मास होना चाहिए। इज इट क्लियर। तो मास के साथ साथ अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट हमें क्या बताता है, अगला पॉइंट बोलता है ग्रेविटेशन के अंदर, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ग्रेविटेशन को समझने के लिए, इस चैप्टर को समझना है तो अगर इन पॉइंट्स को समझ लिया तो ग्रेविटेशन चैप्टर बेसिकली आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर बोलता है कि जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स से क्या मतलब है इसका, देखो सेंट्रल फोर्स से कुछ मतलब नहीं है, कुछ किसी भी एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से ये फोर्स लगता है। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक बॉल है यहां पर, कोई एक, चलो सपोज करो एक छोटी बॉल रखी है, ठीक है ना, तो ये दोनों के बीच में लगेगा क्योंकि इसके पास मास है, सपोज करो इसके मास है 20 kg, इसका मास है 5 kg। अब मास आ गया 20 kg और 5 kg, यानी कि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन होगा। अब वो होगा तो वो कहां से होगा, यानी कि इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, ये जो होगा डेट इज दिस इज द पाथ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि ये जो है वो इसे, ये देखो ये वाली जो बॉल है वो इसे अपनी तरफ खींचेगी, किस पाथ में, इस पाथ में। इज इट क्लियर, कैसे खींचेगी, क्योंकि सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करना है, बिकॉज दिस इज अ सेंटर फोर्स सो वी हैव टू ज्वाइन इट द सेंटर, ठीक है ना। तो सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करने के बाद जो पाथ बनेगा उस पाथ में ग्रेविटेशन अप्लाई होगा। देखो अब मैं बात करता हूं, ये कैप है, ये मार्कर है, ठीक है, ये कैप और मार्कर क्या कर सकते हैं, इस कैप ने इस मार्कर को खींचा या फिर इस मार्कर ने इस कैप को खींचा, तो ये कैसे खींचेगा, ऐसे खींचेगा। ये तो ऐसे भी खींच सकता था, ये ले भाई मैं ऐसे भी आ जाऊंगा तेरे पास, नहीं हो सकता ऐसा, क्यों, क्योंकि दिस इज अ सेंटर फोर्स, सेंटर फोर्स होने के कारण इसके सेंटर और इसके सेंटर से जो पाथ क्रिएट हुआ उस पाथ के थ्रू ये मूव करेगा। इज इट क्लियर है, चलो ये चीज समझ आई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट ग्रेविटेशन के अंदर बोलता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स होता है,
है ना, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स होता है ना, एवरी ऑब्जेक्ट। अब जो पॉइंट बोल रहा है ये बोल रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट, यानी कि ये होगा। अच्छा, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो हो गया, सपोज करो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया, सेंटर टू सेंटर लग गया, चलो ठीक है मान लिया हमने। तो क्या बड़ा वाला जो ये है 20 kg का, क्या ये इसे खींचेगा इस तरफ, होगा ऐसा क्या, ये इसको नहीं खींचेगा क्योंकि इसके पास भी मास है। इसका मतलब द ऑब्जेक्ट कंटेनिंग मास कैन अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसने इसको खींचा अपनी तरफ, इसने इसको खींचा अपनी तरफ, तो एफ नेट यहां पे निकलेगा, यानी कि नेट फोर्स। इसने इसको जिस फोर्स के साथ खींचा इधर, इस वाले ने इस वाले को इस फोर्स के साथ खींचा। सपोज करो ए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है बी, ए ने बी को अपनी तरफ खींचा, अपनी तरफ खींचने के लिए जो भी फोर्स अप्लाई हुआ, मान लो हमारा फोर्स अप्लाई हुआ 200 न्यूटन, ठीक है ना। इसने यानी कि बी ऑब्जेक्ट ने ए ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा, इसको खींचने के लिए फोर्स अप्लाई हुआ 100 न्यूटन, ठीक है। अब मूव कौन करेगा, यहां पर मूव कौन करेगा, किसने किसको खींचा, एफ ए की बात करते हैं, एफ ए ने बी को खींचा, एफ बी ने ए को खींचा, ठीक है। ए बी ये वाला है, ए ड्यू टू बी, इसने इसको खींचा है और इसने इसको भी खींचा। अब देखो एफ नेट निकाल लेते हैं क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 200 माइनस 100, 100 न्यूटन के साथ जो बी ऑब्जेक्ट है वो इसकी तरफ मूव करने लग जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है अनबैलेंस फोर्स के अंदर, ये हमने बात करी हुई है कि जिसका फोर्स ज्यादा वो उसकी तरफ मूव करने लग जाएगा। सपोज करो मैं इसको हिट करता हूं, अगर इसका ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन मेरी फोर्स से ज्यादा है तो ये मूव नहीं करेगा, है ना, क्योंकि मेरा जीरो हो जाएगा एफ नेट। सपोज करो इसका है 200 न्यूटन, मेरा है 100 न्यूटन, तो मैंने 100 न्यूटन के साथ मारा इसे, तो यहां से ग्राउंड की फ्रिक्शन प्रोवाइड हुई इसे 100 न्यूटन, जिससे ये जीरो हो गया, सीधी सी बात है। अगर मैं बात करूं यहां की, तो इसने इसको 200 न्यूटन से खींचा, इसने बी वाले ने ए वाले को 100 न्यूटन से खींचा, तो टोटल आ गया 100 न्यूटन, और 100 न्यूटन के साथ ये इस तरफ मूव करने लग जाएगा। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे जब हम बात करेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी वगैरह की, ठीक है। अभी बस इतना जान लो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट नहीं करता, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट थे। एक पॉइंट और आता है कि पॉइंट मास के लिए अप्लाई होता है। पॉइंट मास का मतलब क्या है, बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, ठीक है ना, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। आप छोटे कैसे भी हो सकते हैं, वो हमारे सिलेबस के अंदर अभी है नहीं, वो 11th क्लास के अंदर है। तो पॉइंट मासेस है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन अभी यहां पे नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, ये तो हो गया ग्रेविटेशन के बारे में, तो ग्रेविटेशन इज ऑल्सो अ फोर्स, ये ध्यान रखना, और ये जरूर ध्यान रखना कि इट इज ओनली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। अब बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बड़ी मेहनत के बाद, बहुत सारे साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन के बाद ये ग्रेविटेशन का लॉ निकल के आया था। और कुछ लोग कह देते हैं कि न्यूटन के सर पे एप्पल गिर गया, तो भाई साहब ये न्यूटन, ये लॉ पता है आप, न्यूटन ने लिख दिया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट थे, कैपलर थे, न्यूटन थे, टॉर्जन थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको लेके डिस्कवर किया था, बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था, बट एक्चुअल में न्यूटन ने इन सारे साइंटिस्ट की स्टडी को कंबाइन करके एक ये लॉ निकाला। इस लॉ का मेन पर्पस क्या होता है, इस लॉ का मेन पर्पस ये होता है कि ये ग्रेविटेशन को कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है।
यानी कि ये ग्रेविटेशन निकाल लेता है कि कितना ग्रेविटेशन कहां पर लगा है। इज इट क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस लॉ के अंदर सबसे पहली चीज क्या बोली गई? इस लॉ में बोला गया कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगेगा जिसके पास मास है। ये चीज मैंने आपको अभी अभी बता दी है, ठीक है ना? कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स लगेगा जिसके पास मास होता है। तो क्या बोल दिया इसने? दो ऑब्जेक्ट हमने ले लिए M1। वाह वाह, बहुत अच्छा बन गया। M2। इज इट क्लियर? मान लो कि इसका मास कुछ और है, इसका मास कुछ और है, ठीक है ना? और इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहा होगा, है ना? अच्छा, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहां पे लगेगा? अभी मैंने बताया सेंटर टू सेंटर लगेगा, सेंटर टू सेंटर, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है? यानी कि सिर्फ ये इसी पाथ में या ये इस पाथ में ही मूव कर सकता है और किसी पाथ में मूव नहीं कर सकता, ठीक है? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है? कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, क्या बोला इसने? जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटी के कारण लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों मासेस के। क्या मतलब हुआ? कि एफ जो है ग्रेविटेशन, एफ जी इज इक्वल टू नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम वन के और एफ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम टू के। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि M1 और M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा। क्यों होगा? देखो, F इज इक्वल टू MA होता है, हमने निकाला था सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ के अंदर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A था। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मान लो, इसको भूल जाओ, इसके लिए इसका एक्सेलरेशन कुछ होगा, इसका मास कुछ होगा, तो फोर्स ऑफ फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के। इसके लिए भी फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के। अब ग्रेविटेशन जो होगा वो एक फोर्स होगा, है ना? या तो वो इसको इधर खींच लेगा या वो इसको इधर खींच लेगा, है ना? क्योंकि एफ नेट यहां पे हम निकालते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2। हो सकता है? ये तो बहुत आसान चीज हो गई। तो पहली चीज तो उन्होंने ये बताई कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। दो मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। पहली चीज क्लियर हो गई, तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली भाई। दूसरी चीज क्या बताई उन्होंने? दूसरी चीज उन्होंने, अच्छा एक चीज और, अच्छा तुम्हें ये पता होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ये साइन है इससे क्या होता है कि अगर तुम मास को इंक्रीज करोगे तो फोर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, होगा ना ऐसा? मास फोर्स को डिक्रीज करोगे तो मास ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, मास को जीरो कर दोगे तो फोर्स जीरो, अभी अभी बताया मैंने। चलो ये चीज तो हमें क्लियर हो गई कि मास जरूर होना चाहिए, बिना मास के सेंटर ऑफ यानी कि जो भी है ग्रेविटेशन नहीं लग सकता। इज इट क्लियर? चलो ये पहली चीज आ गई हमारे पास कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के। दूसरी चीज न्यूटन ने क्या बताई? कि जो डिस्टेंस है इन दोनों का, क्या बोला मैंने? जो डिस्टेंस है इन दोनों का, क्या डिस्टेंस? सेंटर से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस, इसे हमने डी से डिनोट कर दिया। ये जो डिस्टेंस है इसके फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या बोला? बिल्कुल सही बोला भाई। देखो ना, जितना पास ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जितना दूर होता चला जाएगा उतनी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती चली जाएगी और एक टाइम पे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, है ना? है ना? चलो तुमने देखा होगा यार, एग्जांपल ले लेते हैं सन का। सन क्या करता है? सन सबको अपने पास ग्रेविटी के कारण अट्रैक्ट करके रखता है। इसके बाद हम सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? वो चीज, सन वाली चीज। अभी यहां पे देखो,
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज उसने बोली कि जो ये डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, यानी कि डिस्टेंस बढ़ाओ फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स बढ़ाओ डिस्टेंस कम हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो यहां पर इसने बोल दिया कि एफ जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके। इनवर्सली का मतलब होता है कि वन अपॉन में कोई भी चीज रख दो तो वो हो जाती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिकली, ठीक है ना। चलो तो ये हो जाएगा डी के स्क्वायर के। अब सर आपने ये स्क्वायर क्यों लगा दिया? देखो स्क्वायर मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि ये कुछ ना कुछ फोर्स से इसे खींचेगा, तो इसका यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया डी, ये कुछ ना कुछ फोर्स से इसे खींचेगा तो इसका यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया डी, तो डी इंटू डी डी स्क्वायर हो गया। तो जितना तुम डिस्टेंस बढ़ाओगे उसका दुगना डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। सपोज करो तुमने डिस्टेंस ले लिया 2d, सपोज करो तुमने डिस्टेंस लिया 2d, ठीक है ना, एग्जांपल ले रहा हूं, ये क्वेश्चन है ठीक है ना। तो 2d तुमने डिस्टेंस लिया और यहां पे पुट कर दिया 1/2d का स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस तुमने डबल कर दिया तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिस्टेंस तुमने डबल कर दिया तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देख लो क्या इफेक्ट पड़ेगा, 2 × 4 d² यानी कि अगर मैं बात करूं ये 1/d², 1/d² तो हमने यहां पे देखा था शायद, फोर्स क्या होता है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d² के होता है, तो मैं कह सकता हूं 1/d² = F, है ना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी जी, तो 1/4 FG, यानी कि 2 गुना डिस्टेंस करने पे 4 गुना फोर्स कम हो गया, 3 गुना डिस्टेंस कम करोगे तो 9 गुना फोर्स कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द इनवर्स स्क्वायर रूल, ठीक है ना। इनवर्स स्क्वायर रूल ये भी न्यूटन ने डिस्कवर किया था, ये भी हम पढ़ेंगे लास्ट में इस चैप्टर के, ठीक है ना। तो ये उन्होंने बताया कि सबसे पहली चीज उन्होंने बताई कि मास को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है फोर्स के, फोर्स बढ़ाओ मास बढ़ेगा, मास बढ़ाओ फोर्स बढ़ेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि डिस्टेंस ऑल्सो प्ले मेजर रोल, क्या? डिस्टेंस बढ़ाओ फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स बढ़ाओ डिस्टेंस कम हो जाएगा, कोई दिक्कत इसके अंदर। अगली चीज उन्होंने क्या, अब क्या, अब कुछ नहीं बताया उन्होंने। इसके बाद हमने क्या किया कि ये हमारे पास आई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया, लिख सकते हैं ना एक साथ, क्योंकि ये भी एफ ये भी एफ, तो क्या कर दिया हमने, एफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 × m2/d² तो ये तो आ गया हमारे पास प्रोपोर्शनल, है ना। तो हमें पता है भाई प्रोपोर्शनल से तो हम थोड़े ना कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल हटाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल हटाना मैंने बता दिया है, कैसे हटाते हैं भाई, कांस्टेंट लगा दो, हटा के लगा दिया एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2/d², तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अच्छा ये जी क्यों लगाया भाई, के क्यों नहीं लगाया? भाई लगा लो तुम, के लगा लो, लेकिन जी इसलिए लगाया क्योंकि हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो के भी लगा सकते हो लेकिन जी यहां पे ज्यादा प्रेफरेबल होता है। जी को हम अभी अलग से पढ़ेंगे, जी को हम बेसिकली यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि ये कांस्टेंट तो है लेकिन यूनिवर्सल है। तुम किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, तुम चांद पे चले जाओ, तुम वीनस पे चले जाओ, तुम जुपिटर पे चले जाओ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ये किसी को लेके चेंज नहीं होता, किसी की रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो ये तो आ गया हमारा क्या, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। यहां तक समझ आया? चलो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं भाई साहब जी की, कोई
थोड़ी बहुत जी की भी बात कर लो। जी सर, जी क्या बोलता है भाई? जी इज कॉल्ड दी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है ये, और यूनिवर्सल है। सॉरी, यूनिवर्सल नहीं लगाया मैंने, लो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है बेसिकली। अब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट तो है, लेकिन कॉन्स्टेंट है भाई, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू होती है जी इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻¹¹। अभी तक मैंने इसकी यूनिट नहीं बताई है, तो मैं यूनिट तो लगा ही नहीं सकता अभी। तो यूनिट देखते हैं पहले, यूनिट ऑफ जी, यूनिट ऑफ जी क्या होगा? देख लो यार, यहां पे जी को इधर ले जाओ, ये जी को मत ले जाओ, बाकी सारी टर्म्स को इधर ले जाओ। क्या करोगे? क्या है फॉर्मूला? क्या है? एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 / d2। डी स्क्वायर को इधर ले जाओ, एफ जी इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 into m2। क्या किया मैंने? डी को मैं इधर ले गया, m1 m2 को मैं नीचे ले आया। होता है ना ऐसा, मैथमेटिक्स का रूल है ये तो। अब क्या है? अब तो जी बच गया सामने। अब सबकी यूनिट पुट कर दो, यूनिट तो तुम्हें पता ही होगा फोर्स की क्या होती है भाई, न्यूटन। डी स्क्वायर डिस्टेंस है, डिस्टेंस की मीटर, तो मीटर लगा देंगे, लेकिन अगर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। m1 into m2, अच्छा m1 into m2 दोनों अलग अलग तो हैं, लेकिन यूनिट तो भाई साहब सेम होगी, दोनों ही मास हैं। मास की यूनिट केजी, तो केजी का स्क्वायर, क्योंकि kg into kg, ठीक है ना? तो ये हमारे पास इसकी यूनिट आ गई। क्या यूनिट आ गई? यहां पर आ गई ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू मान लो कभी भी चेंज नहीं होती। देखो इस जी में, इस वाले जी में और इस वाले जी में, दोनों में ही फर्क है। दोनों के बारे में हम बात कर लेंगे, इसके बारे में अभी हमने बात करी, ठीक है, स्मॉल जी के बारे में भी हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, इससे रिलेटेड। सपोज कर लो इसका मास है 2 kg, है ना, इसका मास है 8 kg, होता है ना, हो सकता है यार। इमेजिन करो 2 kg 8 kg डिस्टेंस मान लो इसके बीच में, m2, ठीक है, लगाओ भाई फॉर्मूला, लगाओ, कोशिश करो, करो करो, चलो कर ही देते हैं, आ जाओ। एफ जी क्या फॉर्मूला है? जी m1 m2 / d2, यही बताया था आपने तो, है ना? जी जी को छोड़ो अभी, बाकी सारी वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगी? 2 into 8 / 200 cos², ठीक है ना? अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर ये जो चीज है, ये तो चलो एक बार को मान लेते हैं इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए, लेकिन जैसे ही हमने 6.67 × 10⁻¹₹ पुट करा, यहां पर ये वैल्यू यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बहुत ज्यादा स्मॉल हो गई। कैसे भाई? -11, 10⁻¹⁻, इतना छोटा कांस्टेंट है ये। इसका मतलब अगर मैं बात करूं छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स की, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, 8 kg का मास है, 2 kg का मास है, तो इनके बीच में हम बेसिकली ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं लगाते।
इनके बीच में ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन रॉन्ग हो जाता है, इस चीज को हम नहीं लगाते। अच्छा लगा भी दोगे तो इसका जो अट्रैक्शन आता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि नेट फोर्स जो आती है वो बहुत ही कम आती है, इतनी कम आती है कि नेग्लिजिबल हो जाती है वो। यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में अट्रैक्ट नहीं करते, यानी कि मैं और तुम अट्रैक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारा मास बहुत कम है। एक तो हमारा डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है लेकिन मास भी बहुत कम है, इसकी वजह से हम अट्रैक्ट नहीं करते एक दूसरे को। वहीं पे बड़ी बड़ी बॉडीज की बात कर लो भाई साहब, ये मून हो गया, सॉरी ये अर्थ हो गया, ये मून हो गया। तो अर्थ और मून दोनों के पास मास बहुत ज्यादा, डिस्टेंस मास के कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है ना। इसके लिए इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम बात करेंगे कैसे, क्योंकि अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करता है लेकिन अर्थ मून मून अर्थ के अंदर फॉल नहीं करता। देखो दोनों चीजें हुई हैं, अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है बट मून इसके अंदर यानी कि अर्थ के अंदर यानी हमारे ऊपर फॉल नहीं करता। कैसे करता है, वो गोल गोल घूमने लग जाता है, गोल 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 गोल, है ना, गोल गोल। अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे।